उस दिन मैंने आपको कहा था कि मुझे जितनी भी प्रॉब्लम हुई है तो वो सब मैंने कैसे ठीक किया, हाँ, जो कि बहुत ही आसानी से ठीक हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया वो सब। हाँ, तो कैसे ठीक हुआ तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे जो ठीक हुआ, मैं वो साफ साफ अगर मैं बताऊँ तो दो चीज़ें से हुआ। नंबर एक, मैं ये जानते चला गया, हेल्थ टिप्स सुनते चला गया, समझते चला गया कि हम लोगों का शरीर क्या खाने के लिए बना हुआ है। शाकाहारी, मांसाहारी? अगर शाकाहारी है तो पहले क्या खाना चाहिए, फिर कैसे खाना चाहिए, दही दोपहर में खाओ, ऐसे वैसे करके रात में मत खाओ, हाँ, अगर रात में खाना है तो कैसे खाओ, और खा लिए तो कौन सा आसन करो या क्या करो जिसकी वजह से जल्दी डाइजेशन हो, ये सब समझा किया। तो एक तो खाना, खाने के बारे में समझा, क्या क्या खाना चाहिए, सलाद वगैरह खाएं या मांस मछली खाएं, ये समझा। तो पता चला कि जितना वेजिटेबल खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, वो खाएं, फल फूल खाएं। और दूसरा चीज़, नियम। आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं, खाने से पहले पानी पीना है, खाने के बाद पानी पीना है, खाना खाते समय आपका मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए, पूरा बॉडी का हालत कैसा होना चाहिए, एकदम अच्छे से बैठ के, भुइयां में बैठ के, पलथी मार के बैठ के खाना चाहिए और पूरा कंसंट्रेशन के साथ खाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में खाने को भगवान माना जाता है। तो इस तरह से मैंने समझा और इन्हीं दोनों को मैंने फॉलो सिर्फ करना शुरू किया। और बस जैसे जैसे जो चीज़ समझ में आता था, जो प्रॉब्लम आता था, उस अनुसार मैं खाना शुरू करता था। ये क्या हो गया, मतलब तो खाना शुरू किया और अपने आप ही धीरे धीरे फटाक गायब होने लगा सब। तो जितना भी प्रॉब्लम मैंने बताया था वो दोनों दो ही तरीके से हुआ था। तो अब तो वो काफ़ी पुराना बात हो चुका है और मैं काफ़ी अपग्रेड भी हो चुका हूँ। तो चलिए मैं फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ। तो फूड कैलेंडर, गेम ऑफ लाइफ, आयुर्वेद, 24 आवर रूल, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लाख के वो नहीं रखा हूँ, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बताने के लिए आंखें बंद करता हूँ, ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया, तो वो सब करूँगा। तो जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर आप ध्यान दें, मेरे बातों पर मत ध्यान दें, ठीक है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, मेरे बातों पर मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो जो आदमी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी आसान होगा, लेकिन जो जिसका मन नहीं लगता उनके लिए वाकई में मुश्किल होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब वीडियो एकदम फ्री है, हाँ, जानकारी फ्री है, जो कि आपको दूसरे जगह पर भी मिलेगा, लेकिन इतना सीधा नहीं मिलेगा। अब ठीक है, वो सब छोड़िए, चलिए अपना मैं जो करने आया वो करता हूँ अब। तो फूड कैलेंडर, तो फूड का मतलब खाना, क्या क्या खाता था मैं, यानी कि ये शरीर, नेपाल और इंडिया के जितने भी लोग हैं तो इन सब का जो शरीर है प्योर वेजिटेबल खाने वाला शरीर सब है। तो इन लोगों का जो वातावरण है इंडिया और नेपाल का, अगर ऐसा ही वातावरण दूसरे देशों का भी है तो वो लोग सबसे पहले इंडिया नेपाल का वातावरण एनवायरनमेंट को समझे अच्छे से, हवा पानी धूप निकलता है ये वो, और देखे वहाँ पे कंपेयर करें, क्योंकि इस सब के आधार पे ही डिसाइड होता है। तो मैं हूँ यहाँ नेपाल रौतहट जिले से, गौर से। तो यहाँ पर जो खीरा गौर के आसपास एरिया में उगता है वो वाला खीरा खाता था, जो आसपास उगता था गौर के आसपास में गाजर वो खाता था। फिर उसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है देसी, एक होता है, एक क्या होता है वो आप समझ लो, मुझे याद नहीं, एक होता है देसी टमाटर होता है, देसी खीरा होता है, और एक दूसरा वाला होता है, वो भी खीरा टमाटर होता है पर वो दूसरा होता है। तो देसी चुनना है हमें, ठीक है, देसी। तो मैं देसी चुनता था, तो खाने की बात कर रहा था मैं। तो मैंने कुछ चीज़ें समझी थी, तो मैं खाना खाने से पहले भर पेट, आधा पेट या आधा किलो, शुरू में या तो मैं भरपेट खाता था या मैं आधा किलो खाता था या 500 ग्राम खाता था सलाद, वो
सिर्फ टमाटर हो सकता है, वो सिर्फ खीरा हो सकता है, वो सिर्फ गाजर हो सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास सिर्फ गाजर है तो आधा किलो खा लूँगा, अगर ज़्यादा है तो मन किया तो भरपेट खा लूँगा या आधा पेट खा लूँगा। तो अब जैसे अगर मैं भरपेट गाजर खा भी लेता था, सलाद खा भी लेता था, तो जब उसके बाद मैं भात खाता था तो वो भी खा पाता था मैं। कभी कभी आधा पेट खाया तो भी भात खा पाता था, आधा किलो खा लिया तो भी मैं खा पाता था, लेकिन खाता ज़रूर था। और हाँ, तो इसी तरह तो जब मैंने 4-5 दिन खाया, कभी कभी टमाटर हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा लेके खा लिया, है ना, लौका लौका हो गया, उसको ऐसे करके काटा फारा जैसे, खूब अच्छा सा खीरा होता है ना, खीरा को काटते हैं हम लोग तो कितना अच्छा पीस निकल के आता है, उसी तरह लौका का भी पीस बना के ऐसे लंबा सा, और उसको पूरा ध्यान से घूर घूर के देखता था और बहुत ही मज़े से खाता था उसको, या कोई भी सलाद हो उसको मैं अच्छे से खाता था। तो सब आगे मैं बताऊंगा। तो इस तरह से मैं खाता था उसको, और उसके बाद मैं खाना खाता था। तो सुबह मैं खाना खाता था तो पहले सलाद खाता था फिर भात खाता था, दोपहर में जब मैं खाता था तो पहले सलाद खाता था फिर मैं खाना खाना था, रात को जब खाता था तो पहले सलाद खाता था फिर खाना खाता था। तो इस तरह से चलने लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। जब एक हफ्ता बीता तो मुझे भूख बढ़ गया। जब मैं सलाद खा लेता था उसके बावजूद, मान लीजिए मैं सलाद खाना ये सब शुरू करने से पहले मान लीजिए मैं इतना भात खाता था, ठीक है जी, मैं ज़्यादा खाता था पहले, तो इतना भात खाता था और सलाद जो है आधा किलो खाता था, तो आधा किलो मैं जब सलाद खा लिया उसके बाद एक घूंट पानी पिया, केवल और केवल एक घूंट पानी पिया आराम से, उसके बाद मैं खाना खाता था, दाल भात तरकारी जो भी होता था वो। तो मैंने देखा मैं अब तो आधा किलो खा चुका हूँ तो पेट भरना चाहिए, लेकिन मैं वो पूरा खा लेता था और फिर पेट एकदम हल्का होता था, टाइट नहीं होता था, भारी नहीं होता था, एकदम हल्का फ्रेश झकास। अब ठीक से बता रहा हूँ ना, मैं समझ में आ रहा है ना, वैसे तो 7 मिनट हो चुका है पर क्या करें, जल्दी जल्दी बोलना नहीं आता है, अभी आगे चल के शायद जल्दी हो जाएगा। वैसे इसका एडवांस लेवल और फटाफट बता देने वाला भी अपग्रेड तक पहुंच चुका हूं, जो कि आगे बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से मैंने बता दिया कि मैंने शुरुआत में क्या क्या खाना शुरू किया था, तो इस तरह से खाता था। और तो ये तो हो गया फूड। तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 चीज़ें शुरू किया था, एक तो खाना, इसको क्या खाना चाहिए, और दूसरा नियम। तो अब नियम के ऊपर बात करते हैं। तो नियम में क्या था, नियम में मैंने शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो नियम सब समझा, तो पता चला सुबह 4 बजे इस शरीर को जगाना है, 4 से 4:30 बजे के करीब में 4 बजे जगा सकते हैं, 4:30 में जगा सकते हैं, 5 बजे भी जगा सकते हैं, तो ये ही तीनों टाइम बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया जी मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे फिक्स करना है और मुझे 4 बजे जगना है। तो मैं 4 बजे जगता था और जगते ही रूम से बाहर निकलता था और खुली जगह में जाके 1 मिनट तक अच्छे से ब्रीदिंग करता था, सांस लेता था, फिर उसके बाद अंदर आके कल होता है ना, कल ताज़ा पानी भरता था, उसको सुसुम करता था, उसमें आप नींबू निचोड़ सकते हैं, एक तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, या फिर कई सारी चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ पानी ही सुसुम करके भी पी सकते हैं। तो मैं सिर्फ पानी सुसुम करके और अच्छे से आराम से पी लेता था, फिर मैं फ्रेश होने जाता था, टॉयलेट जाइए, उसके बाद खाने पीने की तैयारी कीजिए, क्या आपको खाना पीना है, उसका खाना बनाने का, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी खाना खाना है, क्योंकि मैं जल्दी खाना खाता था। तो मैं ऑफिस पहुँच जाता था 6 बजे,
जी मैं जहाँ काम करता था, तो दरअसल क्या था कि जो मैं काम करता था वहाँ पे ऑफिस वाला रूम, दरअसल सर जी का जो घर था उसी में ऑफिस रूम भी था, तो मैं जल्दी पुग जाता था और बस नीचे बैठा रहता था, कुछ है तो करता था, वरना वहाँ पे और भी बच्चे थे, साथ में खेलता था, रहता था और टाइम पे अपना काम होता था। तो 6 बजे मैं पुग जाता था, इसी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं जगता था, सब चीज़ खाता पीता रहता था। यार कहीं गड़बड़ नहीं तो हो गया? ठीक है ना सर। चलिए आप 6 बजे जग जा 4 बजे जग जाता था, फ्रेश हो गया, उसके बाद मैं खाना बनाता था। फिर यार मुझे नियम बताना था ना, मुझे नियम बताना था। हाँ तो गड़बड़ हो गया, वीडियो एडिट करना पड़ेगा मेरे को, एडिट करो इसको।